मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइज, आज एक एक्सपीरियंस के साथ में अनबॉक्सिंग करने वाले, बिकॉज ये एसी एक साल पहले आपको लॉन्च हुई थी और मैं एक साल तक इसको कंटिन्यूस कस्टमर को हम लोग सर्व किए हैं। नियर अराउंड 100 आस पीस में, 100 के आसपास में कस्टमर को बेचे होंगे और 100 पीस का एक्सपीरियंस के साथ आपको आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो ये एसी आपको अनबॉक्सिंग डिफरेंट करने होने वाला है, बिकॉज ये एक एक्सपीरियंस के साथ आपको प्रोडक्ट बताने वाले हैं कि इसके अंदर में कितना दम है और कितना एसी दम रखता है। बिकॉज इनिशियल में मुझे नहीं लगा कि आपको बताना चाहिए, बिकॉज ये नॉन इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर का जमाना जा रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है और आप भी जानते होंगे कि अगर 4-5 साल के बाद अगर इन्वर्टर एसी में पंगा हो जाता है, फिर उसके बाद उसके बनने की चांसेस बहुत कम हो जाती है अगर कंपनी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस होने के बाद, चीज़ों को फील करने के बाद, उनको झेलने के बाद, लोग को ये समझ में आया कि बैक टू फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी में, सो ओल्ड इज़ गोल्ड टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में गाइज ये कुछ एडवांस नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होकर 2022 का प्रोडक्ट है। इसकी पावर कंजम्पशन, ये 2 टन की मशीन ऐसे बोलते हैं, 1.8 टन की मशीन है। नॉर्मली 1.8 और 2 टन की जो मशीन होती है, इन्वर्टर भी आप खरीदेंगे तो 2050-2100 वाट के आसपास में पावर कंजम्पशन होता है। और अगर पहले की मशीन की बात करेंगे 2 टन की मशीन, तो वो 2400 वाट खाता था। गाइज ये करेंट रेटिंग की मशीन है आपको 2022 की, हालांकि ये 1 स्टार है, आपको स्टार में 3-5 स्टार आती है, वैसे में ये 1 स्टार है। 1 स्टार सुन के आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं स्पेशली आपको 1 स्टार बोल के टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। 1 स्टार होने के बाद भी इसकी पावर कंजम्पशन, जैसे आज के जो भी मार्केट में अवेलेबल इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर सब 2000 के आसपास पावर खाती है, ये गाइज 1855 वाट खाती है। सो पावर एकदम मिनिमम खाती है, बहुत कम खाती है। बहुत सारी और खूबियां हैं इसके, मेरे वीडियो में मेरे साथ बनी, बहुत मजा आने वाला है। फेलियर है, 100 पीस बेचो में एक पीस की एरर नहीं आई है। इसको आंख ब्लीप करके आप इस पे मेरे वीडियो पे ब्लीप करेंगे, ये कोई प्रमोशनल नहीं है कि मैं ये स्पेशली प्रमोट, बहुत सारे मेरे वीडियो में कमेंट्स आ जा रहे हैं कि आप प्रमोशन में बेचते हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस को ही केवल शेयर करता हूं। अब उसमें अच्छी कोई बात है तो अच्छी ही बोल सकते हैं, खराब कैसे बोलेंगे कोई चीज़। सो गाइज यहाँ मॉडल है FTE60UV16U2। गाइज ये मॉडल 100% कॉपर मॉडल में आती है, ये 1 टन की 1 स्टार मशीन है, ये 1.8 टन की मशीन है। कूलिंग कैपेसिटी लमसम वही आपको 6350 के आसपास में आ जाती है। सो बाकी मॉडल 2022 का मॉडल है, ये 2022 में इनोवेट हुआ था, हालांकि मैं अभी 23 में परचेस किया हूँ, ये करेंट प्रोडक्ट है, लेकिन इससे मतलब नहीं होता है, जो इनोवेशन होता है वो 2022 का है और 23 में कोई भी डाइकिन का प्रोडक्ट न्यू इनोवेट होके नहीं आया है। सो यही 24 तक बिकना है, आपको इसी के बेस ऑन चलना है। जो नॉन इन्वर्टर इनकी आती है उसमें नॉन कॉपर भी आता है, मैं वो मॉडल आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको 100% कॉपर वाला माल के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइज अनबॉक्स फटाफट खोलते हैं और फिर उसके सकल सूरत पे बात करते हैं। सो गाइज अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आपको सामने दिख रहा है इनका ये एक यूनिक स्टाइल होती है, जो आपको मटेरियल दिख रहा होगा वही एक ही सकल में ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट आती है, केवल जो कॉन्फिगरेशन होता है वो चेंज होता है, वो आप सामने से जो शक्ल निकल के आएगी उनकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। 2 टन होने से ऐसा नहीं इनका इंडोर बड़ा हो जाता है, उसमें भी आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, इंडोर 1.5 टन 1 टन और 2 टन की ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, हल्की सी 1 टन की छोटी होती है, 1.5 टन 1 टन 2 टन एक ही जैसी आपको इंडोर शक्ल दिखेगी। इंटरनल इनका कैपेसिटी थोड़ा फैन उनका डिफेंस हो जाएगा, लेकिन आपको बाकी आउटडोर से ही समझ में आएगा कि 2 टन की मशीन है, 1.5 टन की है कि 1 टन की मशीन है, क्योंकि मेजर अंतर जो होती है वो आउटडोर में आपको दिखेगी, बिकॉज वहीं सारी ताकत होती है और वहीं से चिलिंग का काम भी वहीं होता है। तो एक बार आपको कॉन्फिगरेशन सॉर्टअप बता दूंगा सामने से। सो गाइस जी इसमें खूबी ही खूबी नजर आएगी, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ है जो 1 स्टार आप देख के थोड़ी देर के लिए आप घबरा सकते हैं, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे, आपको डिटेल करते हैं। आईशिया रेटिंग 3.45 है, जिसके अनुसार आपको 3 स्टार होना चाहिए थे, लेकिन नॉन इन्वर्टर की जो आईशिया रेटिंग है 3 स्टार होने के लिए वो पैमाने पर ये नहीं आता है, इसलिए उसको 1 स्टार मिला है। आपका ये मॉडल आपको बताई दिया हूँ, कूलिंग कैपेसिटी देख के दिल खुश हो जाएगा गाइस, ये 6400 कूलिंग कैपेसिटी होती है। अब ये अच्छी से अच्छी मशीन अगर आप 1.8 टन की बहुत सारी ब्रांड का खरीदोगे तो 6000 मिलता है, वहाँ इसकी इफिशेंसी इस मशीन की दिखती है, इसमें कितना है दम। जो सर मेजरली आपको
डिफरेंसेस दिखेगा वन स्टार होने की वजह से, वो यहाँ से 1435 वाट के ईयरली एक कंजम्पशन नोटिस में आता है, जो आपको इन्वर्टर अगर खरीदते हैं तो 1150-1200 के आसपास आता है, जो 200 यूनिट ये ज़्यादा खाने वाला है, बट 200 यूनिट आपको साल भर में 1000 का फर्क आने वाला है, जो मोटा मोटी आपको फर्क दिखेगा। इस 1000 के लिए अगर आप इन्वर्टर जाते हैं तो उसमें अब बहुत सारा टेंशन का पार्ट जाता है, बिकॉज इस एसी के अंदर में आपको सिंगल पीसीबी लगा रहता है गाइस, जो एक पीसीबी 2500-3000-4000 रुपये का आती है, जो एक पीसीबी है इसके इनसाइड में लगी है, इसके आउटडोर में कोई भी पीसीबी नहीं लगी है, ये नॉन इन्वर्टर प्रोडक्ट है। नॉन इन्वर्टर में केवल इंडोर के अंदर में थर्मोस्टेट ऑफ करने के लिए, फ़ैन की मूवमेंट एंड बाकी चीज़ें कंट्रोल आपको करने के लिए एक पीसीबी होती है, जिसका बहुत मेजर रोल नहीं होता है, जिसके वजह से पीसीबी की फेलियर भी बहुत कम होती है, और वो पीसीबी किसी भी जगह आप रिपेयर करा सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उसके अंदर नहीं होती है। अगर ब्रांड के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से भी रिपेयर करा सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप ऐसे कोई अच्छे जगह रह रहे हैं जहाँ पे आराम से रिपेयर हो जाती है। तो गाइस, इसकी जो पीसीबी होती है मुश्किल से 2500-4000 के बीच में होगी, लेकिन वही अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो इंडोर के अंदर भी आउटडोर के अंदर भी दोनों के अंदर में पीसीबी होती है, और वो पीसीबी की रेट जो है इंडोर वाली 4000-5000 के आसपास होती है, आउटडोर वाली आपको 6000-7000 की होती है, तो दोनों मिला के 12000-14000 के आसपास में, 10000 से 12000-14000 के बीच में आपको इन्वर्टर एसी का पीसीबी होता है, और वो एक बार फेल होने से नॉर्मली दोनों ही एक बार जाने की चांस होती है, और वो आपको मेजर इफेक्ट लगता है। तो अगर आपको लगता है साल भर में आपको हो सकता है 5000 रुपये आपका वेस्टेज हो, 5000 रुपये आपको ज़्यादा बिजली बिल में देना पड़े इस प्रोडक्ट को लेने से, लेकिन टेंशन आप फ्री होते हैं, और वहाँ पे एक बार झटका अगर मिलता है जो आप 5000 आप बचाए हैं, 10000 एक बार में चले जाएगा, फिर आपका मन टूट जाता है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस में मुझे समझ में आई, इसलिए मुझे लगा नॉन इन्वर्टर आपको बताना चाहिए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, फिर भी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस गेन करके मुझे लगा कि बहुत सारा लोग हैं जो अभी इन्वर्टर लेके पछता रहे हैं, और ऐसा कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, हालांकि जहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है वहाँ आप नॉन इन्वर्टर नहीं लगाएं, इन्वर्टर लगाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत फ्लक्चुएशन है, पावर जल्दी जाता है जल्दी आता है, वैसी अगर कटअप बहुत ज़्यादा है, वैसी जगह पर आपको प्रेफर करना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर खरीदें, जैसे आप टेंशन फ्री रहने वाले हैं। सो गाइस, ये टॉप व्यू है जो आपको सीलिंग के तरफ ऊपर में वॉल में रहेगा, ये काफ़ी बड़ा वेंट आपको दिख रहा होगा, इसके वजह से आपको 16 मीटर का एयर थ्रू मिलने वाला है, बिकॉज ये जितनी बड़ी होती है उतना एयर सक करेगा ऊपर से, और सामने से गाइस आपको एयर बाहर निकल के आता है। इसमें आपको मालूम ही है इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है, दो फ्लैब है, नॉर्मली आप किसी भी एसी में आप लेते हैं तो आपको सिंगल फ्लैब मिलता है, या डबल फ्लैबिंग है जैसा आपको दिख रहा होगा, दो कट में एयर मिलता है जो कॉन्ट्रा एयर फ्लो बोलते हैं, दो डायरेक्शन में आपको एयर जाता है, सो ईच एंड एवरी कोने में आपको एयर मिल जाता है। एक बार आपको ओपन करके इसका फिल्टर भी दिखा देते हैं, फिल्टर काफ़ी शानदार रहता है, काफ़ी वाइडर रहता है। सो गाइस, ये कुछ ऐसी जगह है जो रेगुलर बेस में मैं बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सर इसको आप हमेशा रेगुलर बेस में क्लीन करेंगे, ये जाली जितनी क्लीन आपकी रहती है, बहुत फाइन जाली आपको दिख रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा, बहुत फाइन है, बहुत पतली सी छेदा है, इसमें डस्ट बहुत मिनिमम जाना है, तो इसकी नेगेटिव ये होगी कि ये फटाक से गंदा होगा, क्योंकि जितना सक करेगा काफ़ी बड़ा साइज आपको दिख रहा होगा जाली का, काफ़ी वाइड है, सो फटाक से इसमें डस्ट आना है। इसको आप जितना क्लीन रखेंगे उतनी मशीन की इफ़िशेंसी रेगुलर बेस में आपको एक जैसी नई जैसी मिलती रहेगी। ये गंदा होने के बाद में आपको ये फिन कॉइल के अंदर में डस्ट आ जाता है और ये जाम हो जाता है, जब ये जाम हो जाता तो आपको इंजीनियर बुला के क्लीन कराना पड़ता है। गाइज, ये 100% कॉपर मशीन है, आपको सिल्वर कोटिंग की हुई है इसके अंदर में, ये 1000% कॉपर वाली मशीन है। सो गाइज, इस कॉयल का आप नॉर्मली अपने से क्लीन नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सावधानी से करना पड़ता है, इसके जो गैप दिख रहे हैं इसके अंदर में जो डस्ट चले जाता है वो ब्रश से साफ करना होता है इंजीनियर के थ्रू, अगर आप उल्टा सीधा कर देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होने के बाद आपका एसी का कूलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, कंडीशनिंग हाई होगी, पावर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी जो एसी से रिलेटेड है। सो इसको बहुत केयरफुली आप क्लीन कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुली करना है, लेकिन अदरवाइज ये फिल्टर को
गाइज रेगुलर बेस में आपको क्लीन करना चाहिए और हमेशा क्लीन रहे ऐसा अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे आपको सेंसर लगा होगा जो रिमोट से आपको कंट्रोल करेंगे। यहाँ इंडिकेटर है आपका, जो टाइमर जैसे ऑन कर लेते हैं, नॉर्मली टाइमर आप आदमी यूज़ करता है, जैसे रात में आप सोए हैं चाहते हैं 4 घंटे के बाद एसी बंद हो जाए, बिकॉज नॉर्मली सुबह में जो होती है 4-5 बजे के आसपास में एसी अगर मिनिमम में अपने चले या ऑफ हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज सुबह का जो सर्दी होता है और जो हवा होता है वो आपको ठंड पकड़ने की चांस होते हैं, जो लोग बोलते हैं अच्छा एसी में सोया था जिसके वजह से तुझे कोल्ड हो गया, तो वो रीज़न तभी होता है जब सुबह सुबह में आप एसी ऑन करके और चिल करके अगर सो जाते हैं। वैसे मोड में आप टाइमर ऑन रखिए, 5-6 घंटे बाद ऑटोमेटिक आपका एसी ऑफ हो जाए, वैसे टाइम ये बड़ा काम का ऑप्शन होता है। गाइज यहाँ ऑन ऑफ है, नॉर्मली रिमोट अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये गाइज बाय डिफॉल्ट जो आप पिछला सेटिंग रखेंगे वही सेटिंग पे ऑन होगा। सो जो भी आप लास्ट सेटिंग छोड़ते हैं उस सेटिंग पे ये ऑन होता है, यहाँ से कोई और ट्यूनिंग नहीं कर सकते आप, लेकिन ऑन ऑफ हो जाती है। तो नॉर्मली आदमी एक बार जो सेटअप करता है वही यूज़ करता है, वो बड़े स्विच कभी कभी रिमोट में बैटरी नहीं है फलना चिलना बहुत सारा एरर होता है जिसके वजह से रिमोट पावर बटन होना ही चाहिए। एक बार आपको बैक साइड दिखाता हूँ। सो गाइज ये बैक साइड है, ये आपको ब्रैकेट दिया हुआ है जो वॉल में लगेगा और इसके ऊपर में आपका एसी हैंग करता है। मेजर जो चीज़ें हैं 100% कॉपर, जैसे मैंने बताया है ये कॉपर पाइप दिख रही होगी, ये 5/8 की पाइप है गाइज, ये 3/8 की पाइप है, नॉर्मली आपका क्वार्टर की पाइप होती है सारी मशीनों में, ये आपको 3/8 की पाइप दी हुई है, 5/8 की मोटी पाइप है, इससे आपकी स्ट्रेंथ समझ में आ गई है, मशीन की जो ताकत है वो यहीं से समझ में आती है, बिकॉज की जितना फ्लो आपका गैस का मोटा होगा उसके अनुसार क्लीन कैपेसिटी का फर्क होता है। ये आपको ड्रेन आउट है, हालांकि ये इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, इंजीनियर आपको इंस्टॉलेशन करता घर पे, बट जस्ट आपको एक व्यू दिखाने के लिए मैं दिखा दिया। सो गाइस ये बहुत काम का चीज़ें होते हैं, क्यूआर कोड आपको दिख रहा है जो स्कैन डाउनलोड करेंगे, ऑपरेशन मैनुअल आपको, अगर नॉर्मली मैनुअल आप जान ढूंढ रहे हैं कैसे इसका ऑपरेशन करना है, वैसे ये 11 kg का है, जैसे इसका वेट आपको मेंशन है, सीरियल नंबर है जो बारकोड दिया हुआ है, ये 11 kg का इंडोर है। सो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये कुछ मैनुअल एंड रिमोट आपको साथ में है, इनका कॉमन रिमोट है, रिमोट में बहुत छेड़छाड़ नहीं करते, मुझे अच्छा ही लगता है कि जो कॉमन इनकी डैकिंग की 10 साल से रिमोट चली है ऑलमोस्ट उसी जैसा, बहुत माइनर चेंजिंग करते हैं। इसमें आपको पावर चिलिंग मोड है, जो आप पावर चिल मोड ऑन करते हैं तो ये अपनी फुल परफॉर्मेंस में चलता है, मशीन अपनी पूरी ताकत में चलती है। मोड आप सेलेक्शन कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रा एयर फ्लो का डायरेक्शन, आप बहुत सारा मोड होता है कॉन्ट्रा करेंगे तो 2 फाड़ में 2 एयर का डायरेक्शन डबल हो जाता है, एंड ऑन ऑफ है बाकी चीज़ें टाइमर उमर सेट करने के लिए, फ़ैन का मोड सेलेक्शन है, तो बहुत सिंपल सा रिमोट होता है इसके अंदर में। ये आपको स्क्रू कुछ दी हुई है जो आपको इंडोर हैंग करने के लिए है, सॉर्ट ऑफ मैनुअल है इसके साथ में जो बहुत कम इंस्ट्रक्शन है, आप मेजर मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो इसको QR कोड से आप कर लेंगे गाइस। सो गाइस आते हैं आउटडोर के ऊपर में, आउटडोर ही इसकी ताकत है, बिकॉज इसकी साइज आपकी हैवी दिख रही होगी, ये 2 टन दिखता है। आउटडोर जो है RE मॉडल से चालू होता है, बहुत बार कस्टमर कंफ्यूज होते हैं इंडोर वाला मॉडल आउटडोर वाला मैच नहीं कर रहा, तो गाइस दोनों का अलग अलग मॉडल होता है, RE से शुरू होता है, वो आपको जो मॉडल था उसकी मॉडल अलग, FE से था तो दोनों अंदर है। 60 UV ये कॉमन होगा, बिकॉज ये 60 होता है 1.8 टन के लिए इनका कोटेड होता है, UV स्टैंड फॉर आपका 2022 जो न्यू सीरीज है इनका, उसका मॉडल का नंबर है, बाकी चीज़ें इनका एरिया के हिसाब से सीरियल कोड है, अप्रैल 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, सो गाइस एकदम करंट प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी इनोवेशन जो है 2022 में ही हो गई थी, इसलिए मैं आपको 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ में प्रोडक्ट को बेचा हूँ, मैं बात इस बात को रख रहा हूँ। जो फीता है काफी हेवी होता है गाइस, पकड़ भाई। तो गाइस अनबॉक्सिंग होगी है, पहली लुक जो आपको इस तरह से पैकिंग आती है, जो ओरिजिनल आपको इसके साथ में पाइप मिलती है वो आपको 5/8 इधर दिख रही है, उधर 3/8 होगी, उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये कुछ 3/8 की पाइप एंड 5/8 की पाइप है, इसके साथ में ओरिजिनल आपको वायर मिल जाता है, ये आप कॉपर की पाइप है। यहाँ गाइज यहाँ ताकत दिखती है मशीन की, ये आपको ब्लू फिल्म की कोटिंग की हुई है और काफ़ी शानदार वाइड आपको दिखता है, ये मेन एरिया होता है जहाँ पे आपको हीट एडजस्ट होता है, यहाँ हीट बाहर होती है और यहाँ मशीन को फिर कूल कंप्रेशर आपको गैस को कूल करके वापस इंडोर में वापस भेजता है, तो इसकी जो ये काम होती है वो मेजर होती है और इसी पे आपको ध्यान देना होता है कस्टमर को, जो यूज़र है
कि ये रेगुलर बेस में क्लीन रहे, और आप साल दो साल जैसे यूज़ करते हैं आप भूल जाते हैं कि इसकी भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। ये केवल इंडोर आप ध्यान रखते हैं, आउटडोर में इसकी जो अंदर गैप दिख रही है जब डस्ट से पैक हो जाती है तो हीट एडजस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से हाई कंडीशनिंग होती है। जब टेम्परेचर मार्क हाई होता है तो आपका मशीन गर्म हवा फेंकने लगता है, बिकॉज ये अगर क्लीन नहीं होता है उस वक्त में आपको क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता मशीन का, जिसके वजह से हाई हीट होने के वजह से कंप्रेसर बंद हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, सेफ्टी मोड में चल जाता है, कंप्रेसर अपने आप को बचाने के लिए बंद कर लेता है। तो गाइज ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए। आप मशीन को जब क्लीन करा लेते हैं सालों साल में एक बार में इंजीनियर के थ्रू, और ये जेट मशीन से क्लीन होनी चाहिए अच्छी से प्रेशर से, सो दैट कि इसके अंदर के गैप का जो डस्ट है वो पूरी तरह से निकल जाए। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको आपको ध्यान रखना है। ये दो इस साइड में भी क्लीन होनी चाहिए, एकदम से क्लीन रहेगी तभी आपको मजा आएगा। गाइस ये मुझे बहुत शानदार लगता है, डाइकिन का जो इनकी डिज़ाइन है ये काफ़ी राउंड में और काफ़ी शानदार एंड बिल्ट इन क्वालिटी काफ़ी शानदार दिखती है। इसकी जो प्लास्टिक होती है काफ़ी शानदार बनी रहती है, और ये डाइकिन का लोगो अपने आप में एक अलग विश्वास दिलाता है प्रोडक्ट के अंदर में, जो आपको लगता है कि ये इसके अंदर में ताकत है और मशीन आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। सो बिल्ट इन क्वालिटी आपको जो इनकी कोटिंग की हुई है ऊपर में, ये स्पेशल कोटिंग रहती है, वेदर प्रूफ है, जो आपको वाटर एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है, इसमें जंग नहीं लगने वाली है, वैसी कोटिंग की हुई है। सो गाइज इस मशीन की जो मेजर ताकत की बात हो रही थी वो जो मैं मशीन आपको रिकमेंड करना चाह रहा था, और एक साल की जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसकी कूलिंग कैपेसिटी अद्भुत है और लोग को बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट जो है। जितने लोग लिए वो हैप्पी कस्टमर हैं और बहुत मज़ेदार इसका रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज यहाँ कूलिंग की कोई जवाब नहीं रहता, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट नहीं है। आपको जैसा दिख रहा होगा 6400 वाट की कूलिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा इसकी पावर कंजम्पशन 1855 वाट है गाइस, बहुत ही कम है। कैलकुलेशन पता नहीं ईयरली कैसे वो इन्वर्टर में लॉन्ग टाइम चलता है तो पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, अदरवाइज वो भी अगर कंटिन्यू चलता है तो गाइज मेरी चैलेंज है इन्वर्टर मशीन 3 स्टार इससे ज़्यादा पावर खाने वाला है। हो सकता है आपको ये 1400 यूनिट आपको ईयरली खा रहा, वो हो सकता है 1800 खा ले, कम नहीं होगा वो, ज़्यादा ही हो सकता है, बराबर हो सकता है। मेरे कैलकुलेशन हिसाब से ये बहुत कम खाएगा। R32 आपको गैस इसके साथ में 1.08 kg का लोडेड होता है। इसके अलावा जो इसकी वेट है गाइज इस आउटडोर की वो 43.5 kg की है। करंट जो कंजम्पशन करता है 8.31 एम्पियर में कंजम्पशन होता है गाइस। सो काफ़ी शानदार फीचर के साथ ये प्रोडक्ट है, बहुत ही मज़ेदार आपको कॉन्फिगरेशन है इसके अंदर। सो गाइस आपको इस आउटडोर के अंदर में पीसीबी होता है नहीं होता है, और क्या चीज़ें कंपोनेंट होती है जिसके वजह से इसका फेलियर रेट कम होता है और टेंशन फ्री आप यूज़ करते हैं, इसको ओपन करके गाइज आपको बताते हैं, सो दैट आपकी पूरी जानकारी कंप्लीट रहे, आपको पता रहे इसके अंदर इन साइड में होता क्या है। सो फटाफट ओपन करते हैं भाई, पकड़ उसको। सो गाइज ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इन साइड आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर में क्या है क्या नहीं आपको पता चलेगा। सो गाइज आपको सारी चीज़ें, ये कंडेंसर कॉयल है आपको दिख रहा होगा, 2 लेयर में कॉयल है। आपको यहाँ डबल कॉपर की पाइपिंग दिख रही है, जैसे मैंने बताया था 100% कॉपर आपको सामने दिख रहा होगा, ये कॉपर है 2 लेयर में। गाइज इसको क्लीन करने में काफ़ी अच्छी इंजीनियर की ज़रूरत होती है, और अंदर में प्रेशर से ही क्लीन हो सकता है ब्रश से प्रॉपर जो है। ये फ़ैन एरिया है जो आपको फ़ैन आपको चल के इसकी जो हीट है वो इससे एडजस्ट करता है, ये जो फ़ैन चलता है तो इससे एयर बाहर होता है, और इस साइड से आपको फ़ैन की एयर बाहर निकल जाती है, जिसके अंदर में जो डस्ट ये हीट जो गैस है उसको चिल करता है, यहाँ से बाहर निकलता है। गैस ये इलाका जो होता है ये एरिया ही आपकी मेजरली कंप्रेशर एरिया है। एक कैपेसिटर है जो नॉर्मली यही ख़राब होता है, जब भी आप 4-5 साल बाद यूज़ करते हैं तो आपको कैपेसिटर ही मैक्सिमम स्टार्टिंग में फेलियर होता है और ये चीज़ें ख़राब होती है। ये कुछ कनेक्टिविटी एरिया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कंप्रेशर है, इसमें कुशनिंग की हुई है, सो आपको इसकी हमिंग की आवाज़ नहीं आती है, जिसलिए जो डैकिंग की मशीन होती काफ़ी साइलेंट मशीन होती है, इसमें कुशनिंग की हुई है और ये हीट को भी काफ़ी कूल रखता है, जो बाहर की हीट है उसको इनसाइड नहीं होने देता है और दोनों के बीच में कुशनिंग का काम करता है। सो इसके अंदर में कोई पीसीबी अभी तक आपको नज़र नहीं आई होगी, कोई पीसीबी होती नहीं है,
जो आपको है वो सामने दिख रहा है, इसमें कोई पीसीबी नहीं है। सो गाइस, इस आउटडोर के अंदर में जब आप नॉन इन्वर्टर लेते हैं तो यही चीजें होती है, लेकिन इन्वर्टर अगर इसी लेते हैं तो एक पीसीबी यहाँ होती है जो काफी बड़े साइज की पीसीबी यहाँ लगी रहती है। जो ये आइटम दिख रहा है, आइटम यही आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ एक पीसीबी बोर्ड होता है जो इस कंप्रेशर को कंट्रोल करता है, और उसके वजह से वो उस पीसीबी की फेलियर के वजह से आपको टेंशन बना रहता है, बिकॉज वो मेजर पार्ट हो जाता है आपके आइटम का। इतना बड़ा कंप्रेशन नहीं होता, जैसे इसकी कंप्रेसर की साइज आपको काफ़ी बड़ी दिख रही होगी, उसके अंदर छोटी कंप्रेसर हो जाती है और पीसीबी काफ़ी बड़ी होती है, मेन रोल पीसीबी की हो जाती है। गाइज, यही अंतर होता है दोनों के बीच का। सो गाइज, फाइनली स्टोरी यही है कि मैं एक साल 100 अबव कस्टमर को बेचा हूँ, जहाँ कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ट्रबल तो कोई दूर दूर तक नहीं आनी, बिकॉज इस मशीन के अंदर में ख़राब होने वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर इंस्टॉलेशन फेलियर होता है, गैस लीकेज होता है और कोई और प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो इंस्टॉलेशन से है, वही एरर हो सकती है, मशीन के अंदर में आपको कोई ट्रबल नहीं मिलने वाली, बिकॉज ये ट्रबल फ्री मशीन है। ये मेरी टेस्टिंग रिजल्ट के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें लॉन्ग टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बिकॉज कंपनी एक साल एंड 5 साल कंप्रेशर का वारंटी देता है, और 5 साल तो आपको निश्चिंत होकर रहिए कि 10 साल तक कोई कंप्रेशर में फेलियर नहीं होने वाला है। सो गाइज, फाइनली निष्कर्ष यही है कि मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा कि ओल्ड इज़ गोल्ड है, कहने का मतलब है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर में फेलियर पहले भी नहीं होता था जो ऑन ऑफ एसी होती थी। अगर आप प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत मज़ा देता है ये मशीन। पावर कंजम्पशन की जहाँ तक बात है बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, 200 यूनिट दिखता है, लेकिन वो भी आपको लॉन्ग टाइम में फ़र्क नहीं मिलने वाला है, बिकॉज जो गैप आप पे कर रहे हैं इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के बीच का, वो मोटा मोटी 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार के आसपास में है, तो वो गैप आपको यहाँ आपके लॉन्ग टाइम में बिजली बिल में कंपनसेट हो जाता है। सो वो भी गैप नज़र नहीं आती है। सो गाइज, अगर ये प्रोडक्ट मेरा पसंद आता है, आप परचेस करना चाहते हैं, मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको लगता है थोड़ा फ्लक्चुएशन और इस तरह की घटिया वाली लाइन है, वहाँ पे आपके लाइन आती जाती है, लंबे टाइम में नहीं रहती, और कूलिंग आपको अच्छी चाहिए, ट्रबल फ्री होना चाहिए, तो ये मशीन आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको परचेस करना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ गाइज, वहाँ से परचेस करते तो मेरे चैनल को थोड़ा मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है, और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है, आप और कोई जानकारी चाहते हैं, आप इसके बारे में और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, या नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा एक लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके एक बार डिटेल में देख लेंगे दोनों का अंतर क्या होता है। सो गाइज, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।